हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक. मेरा घर से गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ. मैं पहुँच गया घर एकदम सेफली. तो सभी के जो मैसेज आ रहे थे ना, मुझे एक बात, एक ही बात की, तो कॉस्ट 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 है ना. तो आज का वीडियो कॉस्ट में ही रहेगा. तो शुरू करते हैं अपना कॉस्ट वाला वीडियो. जो जर्नी है ना, लेह लद्दाख वाली जर्नी, बहुत ही मेमोरेबल जो जर्नी थी मेरी सोलो राइड पे. तो चलिए शुरू करते हैं उसी जर्नी को, है ना. एक बार मतलब हफ्ता दिन तो हो गया, उसको रिमाइंड करते हैं, फिर कॉस्ट भी बताएंगे आपको, है ना. चलो शुरू करते हैं. चल गया होगा मैं किस बात पे, मतलब किस मेरा टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ, है ना. तो सभी के फोन कॉल्स और डीएम आ रहे थे कि मैडी भाई प्लीज कॉस्ट बताओ, कस्ट बताओ, क्योंकि सिक्किम से ले लद्दाख का जो डिस्टेंस है 7070 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ 22 डेज में. तो सभी का एक क्वेरीज था कि चलो मैडी वैसे पूछते हैं ना, कॉस्ट कितना लगा, कॉस्ट कितना लगा. दोस्तों का जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ये सब के बहुत सारे मेरे को मतलब डीएम वगैरह आए. तो मैंने बोला कि चलो बना लेते हैं इसमें ना. तो मैंने इस रूट, पहला रूट फूड स्टे फ्यूल, उसके बाद में बाइक मेंटेनेंस और अदर्स जो भी एक्सपेंसेस हैं, उसको सबको इंक्लूडिंग करके मैं अलग अलग से मैं बोलूंगा. क्योंकि एक जो मेन आपका जो राइड है वो है आपको रूट, आप किस रूट से जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है कॉस्ट भी. क्योंकि जो रूट आप लेके जा रहे हो वो ज्यादा भी हो सकता है ना, लंबा हो सकता है. इसलिए उस रूट का एक जो मेरा जो रूट था उसका रूट का एक प्लान है, फ्यूल का है, किलोमीटर का है ना, और फूड का है, फ्यूल लीटर कितना गया उसका है, और बाइक जो मेंटेनेंस किया मैंने, तीन बार जो सर्विसिंग किया है उसका, और बीच में कुछ खराबी आई. आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि वायरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, मेजर नहीं, थोड़ा सा हो गया था अभी. तो उसका भी कॉस्ट जो लगा वो सब का. और जैसे ऑर्डर्स में जो आता है वो है आपका जैसे परमिट्स, ले लद्दाख में जो आपका परमिट्स है उसमें जो लगा. उसके बाद में जो है जैसे कहीं जाते हैं देखने के लिए तो 100 रुपीज या 50 रुपीज, जैसे गेट एंट्री, ये सब मोनेस्ट्री वगैरह देखने के लिए जो गए, तो उसमें जो कॉस्ट लगा है मैं उसी के बारे में बात करूंगा आप लोगों से. चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. कहा पूरा बिल और जो किलोमीटर और उसके बाद में जो मेरा जो रूट है इसी में है. और ये रहा मेरा तकरीबन, देखिए फ्यूल का बिल इतना सारा है फ्यूल का बिल, ठीक है. और उसके बाद में ये रहा मेरा जो जैसे अदर एक्सपेंसेस हुआ, जैसे मैं ताजमहल घूमने गया, ठीक है. उसके बाद में बाइक को रिपेयर्स किया, जैसे शांति स्तूपा देखने गया. तो ये सब एंट्री है, ये सब जो ऑदर्स एक्सपेंसेस है. और जैसे टोल मानने पड़ेंगे, टोल को दिया पूर्वांचल एक्सप्रेस, आगरा लखनऊ, यमुना एक्सप्रेसवे, है ना. तो ये सब का जो कॉस्ट है मैं पूरा आपको बताने वाला हूं. तो मेरा जो पहले मैं फर्स्ट मेरा जो था रूट, ठीक है, रूट में मेरा क्या था, मैंने क्या रूट लिया था. कि सभी बोल रहे थे कि आप ना इधर से जाओ, क्या बोलते हैं, मेरे को एक्चुअली स्मृति भी करना था, स्मृति नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को वो नारकंडा होते हुए जाना. तो उस टाइम क्या था, थोड़ा सा बारिश ज्यादा हो गया था. तो मैंने वो था जो जम्मू एंड श्रीनगर का रूट, तो श्रीनगर का रूट मैंने पकड़ा. तो मैं यहाँ से गैंगटॉक से सिलीगुड़ी, ठीक है,
सिलीगुड़ी से वहाँ पे स्टे किया, और सिलीगुड़ी से फिर मैं निकला आपको बिहार होते हुए यूपी, उसके बाद मैं दिल्ली, उसके बाद मैं चंडीगढ़, और उसके बाद मैं आपको जम्मू के रास्ते लिया, ठीक है। तो जम्मू के रास्ते में वहां से घूमते हुए मैं निकला, जम्मू श्रीनगर होते हुए वहां से सीधा ले। फिर ले में क्या हुआ, मेरे को 3 दिन रुकना पड़ा, ठीक है, क्योंकि बारिश ज्यादा और रास्ते बंद, खारदुंगला के रास्ता बंद, पैंगोंग ऑल्सो बंद, तो इस कारण मैं वहां पे 3 डेज रुका। मेरे को 3 डेज में क्या हुआ, 1 डेज मैंने लोकल कर लिया वहां का, और 2nd डेज है मैंने वहां पे अपना बाइक को भी थोड़ा सा रिपेयर कर लिया, जो टायर्स वगैरह चेंज करने थे मैंने टायर वगैरह चेंज किए। तो मेरा रूट जो था, जो ऐसा सर्किट था ना, वो जो था श्रीनगर होते हुए लेह लद्दाख, उमिंगला, उसके बाद में सुमरो, है ना, हानले, ये सब करके मैं निकला टंडी, मनाली, ये सब होते हुए आया। और दूसरा जो था मेरा फूड, ठीक है, तो फूड में मेरा जो लगा है 22 डेज में, देखिए 22 डेज में मेरे को फूड में तकरीबन 3 4 दिन मेरे को फूड में नहीं लगा, क्योंकि मेरे दोस्त था ले में, तो उन्होंने मेरे को पूरा खातिरदारी की, बहुत ही अच्छा लगा, उनको बहुत से दिल से शुक्रिया। ऐसे दोस्त हर कोई को मिले ना, उन्होंने मुझे इसको गाड़ी में भी घुमाया, आपने वीडियो में देखा होगा, क्योंकि ले पूरा सिटी जो है उन्होंने मेरे को साइट सीन जो करवाया ना पूरा उनकी गाड़ी में किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनको, मेरे दिल से शुक्रिया, क्योंकि ऐसे दोस्त हर कोई को नहीं मिलता है, इतने दूर में जाके, है ना, अपना काम छोड़ के खुद को घुमाना, ये सब, थैंक यू थैंक यू। तो मेरा 4 दिन का फूड नहीं लगा, क्योंकि स्टे भी नहीं लगा, कॉस्ट भी नहीं लगा, तो उसमें लगा हुआ 1 दिन का साइट में भी, तो मैंने पूरा बिल वगैरह करके मेरे को फूड में जो लगा मेरा 5,283 रुपीज, ठीक है। तो ये तो रहा फूड का, तो मेरा फ्यूल, ठीक है, तो मैं फ्यूल पूरा टोटल मेरा जो सर्किट मैंने जो किया है, वो सर्किट में मैंने अपना बाइक को चलाया है 7,070 किलोमीटर, तो 7,070 किलोमीटर में मेरे को तकरीबन 20 लीटर्स मेरे को पड़ा सबसे महंगा तेल, पता है, 20 से 25 लीटर में भी, तो 170 रुपये से ऊपर लगा मेरे को पर लीटर, तो थोड़ा सा वहां पे ज्यादा मेरा खर्चा हो गया। तो ओवरऑल मेरा जो थंडरबर्ड बाइक था उसने मेरे को फ्यूल का जो एवरेज दिया वो था 27, बढ़िया है यार, सबसे बढ़िया ओवरऑल 27 दिया उन्होंने, मेरा भालू ने। तो टोटल कॉस्ट जो आता है मेरा जो फ्यूल का, वो आता है 24,766 रुपीज लीटर, जो मेरा हुआ उसमें पूरा टोटल 254 लीटर, मतलब 254 लीटर मैंने फ्यूल डलवाया, तो उसका कॉस्ट आपने देख लिया। तो मेरा स्टे का, मेरा 4 दिन देख लिया कि बाइक जगह जगह में प्रॉब्लम भी हुआ मेरे को, है ना, तो बाइक का मेरे को एक तो टायर चेंज करनी पड़ी, और एक ट्यूब चेंज करना पड़ा, और दूसरी बात है वायरिंग में थोड़ा सा 2 बार काम किया मैंने, ठीक है, तो उसका और जाने का टाइम में 3 बार सर्विसिंग किया, मतलब फर्स्ट जाने का यहाँ से पहले फर्स्ट सर्विसिंग, फिर मैंने श्रीनगर में किया एक सर्विसिंग, फिर आने के बाद में सिलीगुड़ी में किया, तो मेरा 3 सर्विसिंग हुआ, उसका टोटल कॉस्ट हुआ 13,265 रुपीज, ठीक है। तो ऑर्डर्स में आता है आपको, जैसे मैंने वहां पे जाके पंप, जैसे अदर्स में आपको ये क्या बोलते हैं एक्सप्रेसवे का जो टोल टैक्स वगैरह है, टोल देना, तो ये सब इंक्लूडिंग मैंने टी शर्ट्स वगैरह लिए वहां पे, तो जाए जैसे किसी को देखने जाना है तो वहां पे एंट्री हुआ मेरा, तो उसमें मैंने तकरीबन खर्चा किया 7,386 रुपीज, ठीक है, उसमें। तो ओवरऑल मेरा जो कॉस्ट जो आया ना, टोटल कॉस्ट जो आया मेरा है वो है तकरीबन, बताएंगे थोड़ी देर रखो कि लद्दाख जो है ना बहुत ही अच्छा जगह है, एक बार जाओ ना, घर से तो सोचा था कि एक ही बार जाएंगे, ठीक है, प्लान भी किया था कि एक ही बार जाएंगे, कि बार बार नहीं जाएंगे, इतना लंबा जर्नी होगा वो भी सोलो में, है ना, तो घर से भी मैंने परमिशन जो लिया था, बस यार एक ही बार जाना है, क्योंकि लाइफ में हर हर राइडर्स का एक ड्रीम होता है कि लद्दाख जाए, है ना।
तो मैंने प्रॉमिस तो किया था एक ही बार के, लेकिन अभी जाके आया ना, मैं घर पहुंचा हूं, मेरे को लगता है कि मैंने कुछ घुमा ही नहीं है। मैं दूसरों को वीडियो देखता हूं ना, तो मैंने तो कुछ घुमा ही नहीं है सोलो में जाके। तो फिर से जाने का मन है, अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो ठीक है, तो टाइम मिला तो फिर से जाएंगे, सोलो ही जाएंगे, क्योंकि सोलो में जो मजा है ना कहीं नहीं है, कहीं नहीं। हाँ, बात बीच बीच में थोड़ा सा दोस्त का महसूस होता है, क्योंकि फोटोग्राफ्स वगैरह खींचना होता है ना, ये सब में थोड़ा सा दोस्त वगैरह, अगर एक दोस्त होता तो अच्छा रहता यार, कम से कम एक दो फोटो ले लेता। नहीं कोई नहीं यार, मेमोरीज मेमोरीज है ना, चाहे अकेले जाओ चाहे मतलब ग्रुप में जाओ, व्हाटएवर। तो इस सब में जो मजा आया और मजा के साथ में जो मैंने खर्चा किया ना, तो उसका मैं टोटल बजट बोलूंगा आप लोगों को। तो मेरा ये टोटल बजट होता है तकरीबन 57,690 रुपीज, मेरा टोटल खर्चा जो हुआ 22 डेज में। बाकी 4 दिन मैंने जो आपको बताया कि थोड़ा सा मतलब दोस्त जो था उनको तो बहुत, जितना भी थैंक यू बोलो ना, बहुत ही कम रहेगा उनके लिए। तो ये रहा मेरा लेह लद्दाख का जर्नी, और इस तरह से मैं जाके आया। तो आप लोग ने वीडियो वगैरह देखा, कहीं वीडियो में भी साउंड में प्रॉब्लम, मेरा माइक टूट गया, ये सब, वो तो खर्चा भी मैंने जोड़ा नहीं है कि अभी देखो कितना खर्चा आता है उस माइक को ठीक कराने के लिए, या मेरे को यहाँ नया लेना पड़ेगा यार। तो यही है मेरा टोटल खर्चा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट राइड पे, नेक्स्ट जर्नी पे, जो जैसा भी होता है वो अपडेट मिलते रहेगा आपको। लेकिन प्लीज कीप कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। जिस जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बहुत सारा प्यार दें। तो ऐसे ही प्यार देंगे तो मेरे को एक इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी वीडियो में बनाऊं आपके लिए, और भी नए जगह जाऊं, है ना। सिक्किम को ही मैं एक्सप्लोर करूं, कितने लोगों ने सिक्किम को सिर्फ मेन मेन जो पॉइंट्स है उनको ही एक्सप्लोर किया है, तो सिक्किम भी बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, जो मेरा होम टाउन है, मैं उसको भी एक्सप्लोर करूंगा। लेकिन प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।